सो इसमें दो केस है, एक केस है हमारा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. कौन सा रोड? लेवल रोड. लेवल रोड मतलब क्या कि भाई थोड़ा भी बैंकिंग नहीं है और बेंडिंग नहीं है, जैसे कि सीधा फ्लैट रोड है ऐसे, और ऐसे गाड़ी जा रही है, ठीक है. लेवल रोड, लेवल रोड समझ रहे हो? नहीं समझे ना? क्या समझ गए? लेवल मतलब ऐसे सीधा एकदम प्लेन लेवल रोड. ओके, जैसे कि ऐसा समझो ये है लेवल रोड. ओके, यहां से हाँ अच्छा समझ में, ये रोड है. ओके, तो ये लेवल रोड है, तो ये मेरी गाड़ी गई ऐसे करके सीधी सीधी जा रही है. ओके, तो इसे बोलेंगे लेवल रोड. दूसरा केस जो होगा वो क्या होगा? बैंक्ड रोड. और से बैंड वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बैंक्ड रोड. तो उसमें क्या होता है कि हमने ऑलरेडी थोड़ा स्लोप दे दिया है, मतलब ये लेवल था तो उसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो अब हम ऐसे जा रहे हैं. ऐसे समझ में आ रहा है? हाँ. ऐसे जाकर क्या मतलब? क्योंकि अगर ऐसे गए ना तो यहाँ घिस जाएंगे, पर्टिकुलर टेररेन ऐसे होंगे तब ऐसा करेंगे, जानबूझ के थोड़ी ऐसा करेंगे. ओके, कोई टेररेन ऐसा होगा, ओके, तब जाके हम ऐसा करेंगे. ऐसा सोचो कि यहाँ हम जा रहे हैं, ओके, और इस साइड पूरी खाई है, थोड़े भी स्लिप हुए तो नीचे करें, वैली है तो ऑलरेडी ये ऐसे बनाना पड़ेगा. तो अगर स्लिप भी हुए तो इस साइड स्लिप हो गए, इस साइड स्लिप नहीं होगा. समझ में आया? यही कंसेप्ट का यूज करते, यही कंसेप्ट का यूज करके कि भाई हिली एरिया है, ये तुम्हारा माउंटेन है, तो अब यहाँ पर तुम ऐसे गोल 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 घूम रहे हो. ओके, तो वो बैंक ही बनाते हैं. कभी ऐसा बैंक देखा है कि मतलब इस ये माउंटेन है और ऐसा बैंक ऐसा? ओके, तो ये तो क्या होगा? सोचो, गए ऐसे, ये माउंटेन है, बोल माउंटेन है और ऐसा बैंक है, तो ऐसे गए और थोड़ा भी स्पीड कम हुआ ना तो नीचे, तो हमेशा बैंक ऐसे ही रहे. अंडरस्टूड? ओके, तो वो टेरेन के हिसाब से हमें बनाने पड़ेंगे. हम नहीं चाहते बनाना रोड. हम देखो सिटी में ऐसा रोड बनाते हैं हम जानबूझकर, नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां बनाएंगे. डन? ओके, तो ये दो केस देखने हैं. देखते हैं पहला वाला केस. थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द कार फिगर फोर. मतलब ये तो लेवल रोड है, तो लेवल रोड पे क्या है, तुम ऐसे घूम रहे हो, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, और वो सर्कुलर मोशन भी कौन सा, सर्कुलर मोशन भी कौन सा है? लेवल रोड. मतलब तुम 5-32 सर्कल पे चले गए, तो ऐसे करके जैसे अभी बताया था वैसे ऐसे गए कि मुझे जाना है दहेज साइड और से मोहम्मदपुरा साइड जाना है, फिर सोचा नहीं नहीं ट्यूशन है, पढ़ाई करनी है, तो ऐसे करके वापस आके चले गए. ओके, तो ये तुमने राउंड मार लिया, तो ये लेवल ही था ना. कभी ऐसा था कि ऐसे था और गिर गए, या ऐसे था और यहाँ गिर गए? ऐसा तो था ना, लेवल ही था, सीधा सीधा ही. ओके, तो वो सीधा सीधा जब लेवल ही वो लेवल है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो ऐसे सीधे सीधे जा रहे हो, नीचे तो लगेगा mg, ऊपर लगेगा n, और फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा ना. ओके, मोशन कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? मोशन कर रहे हो उस डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन. और तुम जब सर्कुलर मोशन में ऐसे जा रहे हो और ऐसे ना चले जाओ, तब लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन. अभी जो डिस्कस किया था वो, दोनों फ्रिक्शन लगेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन मोशन तो हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, दोनों डायरेक्शन में नहीं करनी, नहीं तो स्लिप हो जाएंगे. डन? ओके, तो बस इतने ही फोर्स लगेंगे. सो देखो द वेट ऑफ द कार mg, फिगर देख लेते हैं. चलो, तो कौन सा है? ए वाला. तो ये रही ए वाली फिगर, वही जो हमने ड्रॉ की है, वही ये कैसे जा रहा है और ये सीधा सीधा यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, तो यही फिगर है हमारे. सो द वेट फोर्स ऑफ द कार mg, जो नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स n, जो ऊपर लग रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स f. ओके, और वो भी दोनों फ्रिक्शन लगेंगे हमारे, सर्कुलर होगा. तो अगर सर्कुलर नहीं है, मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, तो दोनों फ्रिक्शन लगेगा या एक फ्रिक्शन लगेगा? सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेट वन लाइन, वन डायमेंशन मोशन. ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो जा रहा हूं, तो भी दोनों फ्रिक्शन लगेंगे या एक ही फ्रिक्शन लगेगा? एक ही लगेगा. क्या लग रहा है हिमांशु? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो एक फ्रिक्शन लगेगा या दोनों फ्रिक्शन लगेगा? एक ही लगेगा. त्रिशा क्या लग रहा है? एक ही लगेगा. सही है, एक ही लगेगा. क्यों? कौन सा? काइनेटिक. यस. ओके, स्टैटिक तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मोशन में हो तुम. ओके, और यहां पर तो स्लिप वाला केस है ही नहीं ना. सर्कुलर मोशन में स्लिप वाला केस है, तो वहां पे स्टैटिक भी आ जाएगा. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स एफ, उन्होंने सिर्फ एफ बोला है, हमें बताइए कौन सा कहां लगता है. ओके, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. भाई गाड़ी ना तो ऊपर चली जा रही है, ना ही नीचे चली जा रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स ही है, मतलब एन इज इक्वल टू एम जी ही है.
डन ओके सो एन इज इक्वल टू एम जी है. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सर्फेस ऑफ द रोड. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो कैसा है, देखो बहुत फिगर तो हमने ड्रॉ कर ली ना, यहाँ पर ये है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से अंदर की साइड सेंटर की साइड जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है, स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो गाड़ी इस साइड ना चली जाए क्योंकि गाड़ी उस साइड जाना चाह रही है ओके वो ना चली जाए इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो प्रोवाइड कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो वही चीज यहाँ पे अभी बताएंगे. इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द रोड एंड द कार टायर्स अलोंग द सर्फेस. दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. नोट दैट इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अंडरस्टूड, ये शुरू किया था हमने. हाँ ओके. Static friction opposes the impending motion of the car moving away from the circle. Impending motion मतलब नहीं हुआ नहीं करेक्ट ओके. जो मैंने अभी तुम्हें फ्रिक्शन में ही बताया था कि मैं ये मोशन फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन 2 न्यूटन, तो फोर्स लगाने से तो मोशन हो जानी चाहिए थी वाली ओके जो अभी हुई नहीं है, लेकिन फोर्स लगाने से मोशन तो हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है. दैट मोशन को हम क्या बोलते, स्यूडो भी बोला था मैंने, स्यूडो मोशन इंपेंडिंग मोशन याद है ना. स्यूडो मतलब जो है ही नहीं ओके हाँ स्यूडोपोडिया ओके जो है ही नहीं अभी आ गया डायरेक्टली लाइक दैट. सो वैसे ही स्यूडो और से इंपेंडिंग मोशन जो है ही नहीं एक्चुअली लेकिन होनी चाहिए थी फोर्स लगाने की वजह से, लेकिन क्यों नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन में भी फोर्स लग रहा है इसलिए ओके. सो ये इंपेंडिंग मोशन ऐसी चली जानी चाहिए थी, कार ऐसी चली जानी चाहिए थी जब सर्कल में जा रहे हम तो, लेकिन नहीं जा रही है. क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि हमें बैलेंस कर रहा है कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस वजह से वो नहीं चली जा रही है, इस वजह से हम स्लिप नहीं कर रहे, इस वजह से कार इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल. डन ओके. सो यूजिंग द इक्वेशन, तो अब तो हमने जो किया है अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था वही है क्या, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही हमारा होगा क्या, माइनस इनटू एन, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ये रहा जो हमारा Fs का फॉर्मूला था, लेस देन और इक्वल्स टू μs इनटू n, लेकिन हमें पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रख सकते हैं mv2/r. यहां से हमने सब कुछ कर दिया और हमारा आ गया फॉर्मूला एक, ये जो मतलब कि वेलोसिटी इतनी या इससे कम होनी चाहिए मैक्सिमम बोलो, तो लेस देन वाला तो हटा दो तो डायरेक्टली इतना होना चाहिए. डन, ये हमने अभी इसके पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू μs इनटू n. स्टैटिक फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं. तो वहां पर mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू r यहां पर रख दिया इसकी जगह, और μs n तो है ही, n की जगह हमने लग दिया mg, क्योंकि हमारा केस में जो mg नीचे लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है n, और वो तो बैलेंस ही है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, मतलब n इज इक्वल्स टू mg है. सो n इज इक्वल्स टू mg, mg mm कट हो गया, r ऊपर चला गया, तो v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू μs rg, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, सो v इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू μs rg. मैक्सिमम लेना हो तो लेस देन वाला हटा दो, तो v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ μs rg. डन, सिंपल ओके. सो हमारा फॉर्मूला गया v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू μs rg व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार. देखो ये μs rg मतलब इसमें मास है ही नहीं, फॉर्मूला में देखो वेलोसिटी में मास है ही नहीं ओके. मतलब तुम्हें कार को सर्कुलर मोशन करनी हो, साइकिल को सर्कुलर मोशन करनी हो, ट्रक को सर्कुलर मोशन करनी हो, मास से कोई फर्क पड़ता नहीं है. फर्क किससे पड़ता है, स्पीड से फर्क पड़ता है, स्पीड से. तुम्हारी स्पीड इससे कम होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड हुई तो गए. डन पक्का ओके. सो मास है ही नहीं, ये याद रखना मास नहीं है. इसके बेस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बना बना के क्वेश्चन बनाया, बहुत बड़ा कर दिया और फिर बोला कि एक कार है, एक ट्रक है, और से एक बाइक है और एक साइकिल है. बताओ किस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है और व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन ना करके अवे फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, मतलब अवे फ्रॉम द सर्कल चला जाएगा ओके. तो अगर वेलोसिटी सब में सेम ही है, सब में वेलोसिटी उन्होंने दी होगी,
ओके सब में वेलोसिटी की वैल्यू सेम है एंड विच इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस आर जी, ओके वी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन म्यू एस आर जी है, और सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या है, कोई बस है कोई ट्रक है, मतलब सब में मास का डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता मास का डिफरेंस हो, तो स्पीड अगर लेस देन और इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्पीड लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी है या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस आर जी है उतनी या उससे कम, तो मास से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम इम्पेंडिंग मोशन जो होनी चाहिए थी वो होगी नहीं, हम स्लिप नहीं होंगे, डन। तो ऐसा एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं, ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो हाँ, सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, दैट्स इट, अंडरस्टूड। इतना ही था हमारा क्या, द कार मूविंग ऑन अ से लेवल रोड, ओके लेवल रोड पे जा रही है तब, डन ओके।